नमस्कार व्यूअर्स, जी न्यूज 24 यानी कि ग्वालियर न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की खास रिपोर्ट। ग्वालियर में 15 अगस्त का मुख्य आयोजन ऐसे ग्राउंड पर हुआ जहां झंडा फहराने के बाद परेड की सलामी मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह यादव द्वारा ली गई। मुख्य अतिथि के द्वारा मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया तथा तत्पश्चात स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गयी जिनकी मुख्य अतिथि के द्वारा तहे दिल से सराहना की गयी। अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और जेल में अच्छा आचरण करने वाले बंदियों की रिहाई की गई। स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पावन पर्व की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर फूलबाग स्थित ग्वालियर प्रेस क्लब परिसर में आजादी का जश्न पूरे उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जनसंपर्क अपर संचालक जीएस मौर्य एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम विद्रोही द्वारा ध्वजारोपण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत गायन के उपरांत मिष्ठान वितरण किया गया। पूर्व सभापति विजेंद्र सिंह जादौन, प्रेस क्लब के सचिव राजेश शर्मा, मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के सुरेंद्र माथुर, अजय मिश्रा, जोगेंद्र सेन, अरविंद चौहान, रामकिशन कटारे, सुनील पाठक, नीलेश तिवारी, मीना शर्मा, रवि यादव, मुकेश पाथम, छोटू जायसवाल, शुभम श्रीवास्तव, वेंकटेश्वर भार्गव, राम मोहन शेवारे, प्रदीप गर्ग, उपेंद्र तोमर, कमल राजपूत, नवल मोदी, सुरेंद्र जायसवाल, यूसुफ खान, शैलेंद्र सिकरवार, राजेश इंदर मंगल, शेखर नामदेव सहित अन्य पत्रकार शामिल रहे। शहर में कांग्रेस द्वारा भी 15 अगस्त का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम सुबह के समय कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी के साहित्य में झंडा वंदन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने झंडा फहराने के बाद एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मिष्ठान वितरण किया। शहर के सभी सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों में भी झंडा वंदन का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालयों में झंडा फहराने के बाद उपस्थित अतिथियों द्वारा बच्चों को कॉपी किताब और पेंसिल इत्यादि देकर प्रोत्साहित किया गया। ग्वालियर के एसपी नवनीत वसीम के द्वारा एक नेगी की दीवार का लोकार्पण किया गया। ये वह जगह है जहां यदि हमारे पास कुछ ज्यादा है तो उसे उस जगह पर छोड़कर आ सकते हैं, जिससे वह सामान किसी और के काम आ सके। उस जगह से जरूरतमंद लोग यह सामान फ्री में बिना किसी पेमेंट के मुताबिक ले जा सकते हैं। इस प्रकार कई जान अनजाने लोगों की मदद की जा सकती है और मदद पाने वाले व्यक्ति का स्वाभिमान भी कायम रहता है। एक के द्वारा त्यागी गई वस्तु किसी और के लिए जरूरी साबित हो सकती है, इस बात को चरितार्थ करते हुए एसपी द्वारा नेकी की दीवार का लोकार्पण किया गया। चीनौर में कुछ लोगों द्वारा स्वतंत्रता दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक विशेष रंग की वेशभूषा में अस्त्र शस्त्र के साथ झंडा वंदन कर अपनी खुशी
संस्कार किया। सनातन धर्म स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन पर चैम्बर पदाधिकारी द्वारा झंडा वंदन किया गया। प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर झंडा वंदन किया गया। इस आयोजन में संगठन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी व सदस्यगण शामिल रहे। इस बार झंडा वंदन का पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस को लोगों ने विशेष अंदाज में मनाया। लोगों ने सार्वजनिक स्थलों पर अपने घर पर और कलेक्टर द्वारा चलाई जा रही वृक्षारोपण मुहिम में शामिल होकर वृक्षारोपण कर 15 अगस्त का पर्व मनाया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य जनों द्वारा लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रेषित की गई है। हमारे यहाँ सावित्री देश के वीरों और देश के शहीदों के कारण और क्रांतिकारियों के कारण आज हमको ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस आज़ादी की हम महत्व को समझें और ग्वालियर को स्वच्छ बनाएं, ग्वालियर को शिक्षित बनाएं, ग्वालियर को अनुशासित बनाएं और विश्व के अग्रणी शहरों में ग्वालियर की गिनती हुई हमारा लक्ष्य रहे, तभी हम सही मायनों पर अपने शहीदों का सम्मान करें। प्रथम इंटरप्राइजेस परिवार की तरफ से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत वासियों के लिए एक बहुत ही अनोखा और बहुमूल्य दिन है, इसलिए कि हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। यहां सभी लोगों को अपने अधिकार प्राप्त हैं और हम सब भारतवासी हमारे देश से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे देश के लिए जो भी कुर्बानी देना है वो देने का हम सब तैयार हैं, क्योंकि हम भारत माता से प्रेम करते हैं। मैं देश के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, ताकि हम सब भाई बहन जैसे रहें, एक दूसरे के कष्ट दुख में शामिल हो जाएं और एक दूसरे की मदद करें। जय हिंद। नमस्कार दर्शकों, G News 24 यानी कि ग्वालियर News 24 पर आपका स्वागत है। G News 24 परिवार की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।